ओम वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांकवहनिनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, इसलिए आज आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र और पंचाक्षर सूत्र के बारे में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। भगवान शिव की आराधना करते समय अक्सर लोग शिव पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि यह का शिव जी का सबसे ताकतवर और प्रथम मंत्र माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही स्वयं इस पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति की थी और इसे सबसे पहला मंत्र भी माना था। इसकी मदद से सभी प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ में उसकी हर प्रकार की इंद्रियां जागृत हो जाती है और कुंडलिनी जागृत भी इस मंत्र के द्वारा हो जाती है, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं सिद्ध बन सकता है। पंचाक्षर मंत्र का जप के साथ साथ पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक होता है और पंचाक्षर मंत्र के स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात में भगवान शिवलिंग शिव के पास बैठ करके और फिर मंत्र का जप करें। और मंत्र सिद्ध तब होता है जब उसकी संख्या लाखों को पार कर जाती है, यानी कि शुरुआत में कम से कम 1,00,000 मंत्र जप के बाद में इसकी सिद्धि शुरू होना आरंभ हो जाता है और जैसे जैसे व्यक्ति 1,00,000 के बाद में मंत्र जप करता जाता है, निरंतर करता ही जाता है, तो स्वयं वो व्यक्ति अनुभूति कर सकता है कि यह मंत्र कितना ताकतवर है। भगवान शिव वैसे भी भोलेनाथ हैं, ओगरदानी हैं, उनके बारे में सबको ज्ञात है कि वे आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं। उनके पवित्र मास सावन में आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करके इसको सिद्ध करके आप उनकी बड़ी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कम से कम 1,25,000 की संख्या में पंचाक्षर मंत्र का जप सावन के महीने में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, इस मंत्र को सिद्ध करने से आपको विशेष ताकतें शक्तियां भगवान शिव के द्वारा प्राप्त होगी। पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, इसी प्रकार भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र भी 5 अक्षरों से बना है और उसी तरह यह शिव पंचाक्षर मंत्र के कारण यह सृष्टि के हर तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि इस पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद में आप अपना प्रभुत्व नियंत्रण स्थापित कर सकते हो जहां चाहो तहां, बशर्ते इस मंत्र को सिद्ध किया जाना जरूरी है और शुद्ध रूप से स्नान आदि करके पवित्रता से पवित्र वस्त्र पहन करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के एकांत में बैठ करके और अपना आसन लगा करके भगवान शिव के तरफ शिवलिंग की तरफ अपना मुख करके और पंचाक्षर मंत्र का निरंतर निश्चित संख्या में जप करें और सावन के पूरे माह में कम से कम 1,25,000 का जप कर लें। अवश्य ही मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और सिद्धि मिलनी आरंभ हो जाएगी। उसके पश्चात अगर आप इसका क्रम जारी रखेंगे तो वह सिद्धियां बढ़ती ही चली जाएगी, जो कि आपको और आपके आसपास रहने वालों को भी आपकी सिद्धि का ताकत का अनुमान लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पंचाक्षर मंत्र कितना ताकतवर है, तो अवश्य ही आप इसका जप करें और सिद्धि प्राप्त करें। धन्यवाद।